आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हरी मिर्च को स्टोर करने के 3 मेथड। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अंजना, होम किचन गुरु में आप सबका खूब खूब स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हरी मिर्चों को अच्छे से वॉश करेंगे और किसी भी कॉटन के कपड़े से इसे ड्राई कर लेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए और इनके डंठल को हटा देंगे। डंठल को हटाने के बाद कोई भी एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे और इसमें बटर पेपर को अच्छे से हम बिछा देंगे। बटर पेपर लगाने के बाद सारी हरी मिर्चों को इस कंटेनर में डाल देंगे। जब भी हरी मिर्चों को स्टोर करें, इनके डंठल को जरूर हटाएं, तो आप देखेंगे कि लंबे समय तक ये हरी मिर्चें खराब नहीं होगी। लिड लगाकर इन्हें हम फ्रिज में रख सकते हैं। हरी मिर्चों को स्टोर करने का सेकंड मेथड है, इनके हम सीजर की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि हरी मिर्चों की कटिंग हमेशा सीजर की हेल्प से ही करें और जब भी हरी मिर्चों की कटिंग करें उसके बाद हाथों पे ऑयल ज़रूर लगाएं। सारी हरी मिर्चों की कटिंग करने के बाद कोई भी एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे और इन सभी हरी मिर्चों के पीसेस को इस कंटेनर में डाल देंगे। ऊपर से डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून डालेंगे सॉल्ट। इन्हें मिक्स करेंगे। इन हरी मिर्चों के पीसेस को 1 वीक तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी सब्जी बनाएं तो इन हरी मिर्चों का हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखें कि इन हरी मिर्चों के पीसेस में हमने सॉल्ट ऐड किया हुआ है। हरी मिर्चों को स्टोर करने के 3rd मेथड में हम लेंगे एक ग्राइंडर जार और सभी हरी मिर्चों को इस जार में डाल देंगे। जार में डालने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल और 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे विनेगर और इनका हम एक पेस्ट बना लेंगे। इस प्रकार से बने हुए पेस्ट को हम फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये लंबे समय तक खराब नहीं होगा। हरी मिर्च के इस पेस्ट को हम किसी भी ग्लास जार में भरकर फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं। हरी मिर्च को स्टोर करने के 3 ही मेथड में इस बात का ध्यान रखें कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हरी मिर्चें खराब हो सकती हैं। और सेकंड ये है कि जब भी हरी मिर्चों को कंटेनर से निकालें, सूखी वे साफ चम्मच का ही यूज़ करें। हरी मिर्चों को पूरी तरह से ड्राई होने के बाद ही स्टोर करके रखें। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।